साथियों, भाजपा सरकार में विकास का लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं और एससी एसटी बीसी सभा तक लगातार पहुंच रहा है। हमने मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, जनधन बैंक अकाउंट, नल से जल, ऐसी कितनी ही योजनाएं आप लोगों के लिए शुरू की। हम गरीबों के लिए इतना काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन किया और घोटालों पर लगाम लगाई। लेकिन तेलंगाना में जो हो रहा है वो तो चौंकाने वाला है। ये बीआरएस सरकार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पा रही वो गरीब के लिए कैसे काम करेगी। मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार में सभी को सैलरी और पेंशन अपने समय पर मिला करेगा। और ये भी मोदी की गारंटी है ना कुटुंब सभ्युलारा, राज्य में बीजेपी सरकार होने से राज्य के विकास को डबल इंजन की ताकत मिल जाती है। जहां भी बीजेपी सरकार है वो वहां लोगों की आय बढ़ाने, उनकी बचत बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत कम करने के बाद बीजेपी के राज्य सरकारों ने भी अपने यहां पेट्रोल की कीमतें घटा दी, सब भाजपा सरकारों ने घटा दी। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पेट्रोल की कीमतें नहीं घटाई गई। तेलंगाना की बीआरएस सरकार ने भी यहां पर हमने जो फायदा आपको पहुंचाने के लिए भेजा आप तक जाने ही नहीं दिया, यानी जनता को लूटने का पैटर्न भी कांग्रेस और बीआरएस का एक जैसा ही है। अगर गलती से भी तेलंगाना में कांग्रेस को घुसने दिया तो आपको बीआरएस की कार्बन कॉपी सरकार मिलेगी। इसलिए तेलंगाना का उज्जवल भविष्य तो इस बात में है, आपका उज्जवल भविष्य इस बात में है कि इन दोनों ही पार्टियों से सावधान रहना। कांग्रेस बीआरएस से अलग, बीजेपी आपके हित में ही सोचती है। यहां सरकार में आने के बाद हम पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेंगे जिससे तेलंगाना के लोगों को राहत मिले।